हेलो एवरीवन, वेलकम अवर चैनल एचके एकेडमी। और आज हम बात करेंगे अर्बन ज्योग्राफी है उसमें जितने भी थ्योरीज हैं आपके अर्बन स्ट्रक्चर पर, तो उसमें क्लासिकल थ्योरीज अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मैंने आपको कंसेंट्रिक रिंग मॉडल बताया है यानी सकेंद्रीय वलय सिद्धांत बताया। उसके बाद मैंने सेक्टर थ्योरी बताई जिसमें खंड सिद्धांत है उसके बारे में बात की, और आज हम बात करेंगे मल्टी न्यूक्लियर थ्योरी या फिर मल्टी न्यूक्लियर मॉडल। क्या बोलते हैं, बहुनाभिक सिद्धांत बोलते हैं। और ये बेसिकली किसने प्रपाउंड किया था, दो स्कॉलर्स इसके प्रपाउंडर है, एक है हैरिस और दूसरा है उलमैन। और ये काफी बार यूजीसी नेट के क्वेश्चन में भी पूछा गया है और जीएस के क्वेश्चन में भी आ जाता है कि बहुनाभिक सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया है या फिर इसके प्रपाउंडर कौन है, फाउंडर कौन है। तो इसके है हैरिस और उलमैन। हैरिस और उलमैन ने ये थ्योरी क्यों प्रपाउंड की थी, क्योंकि सबसे पहले हमने क्लासिकल मॉडल में किसकी बात की थी, बर्गेस की बात की थी। और बर्गेस महोदय ने क्या किया था कि उन्होंने क्या बताया था कि कंसेंट्रिक जो रिंग्स हैं उसमें हमारा डेवलपमेंट होता है। लेकिन इसके साथ आगे इसका जब क्रिटिसिज्म हुआ तो उसका सेक्टर मॉडल आया होमर हाइट का, उन्होंने भी क्या माना था कि एक पूरा सर्कल होगा और इसके अलग अलग सेक्टर्स होंगे। अब उलमैन और हैरिस जो है इन्होंने क्या कहा कि किसी भी सिटी का कोई एक सेक्टर नहीं होगा या फिर कोई एक इसका कंसेंट्रेशन जो सेंटर है वो नहीं होगा, और इसका जो डेवलपमेंट है वो भी क्या है, आपका सर्कल में नहीं होगा या फिर रेडियल फॉर्म में नहीं होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि कोई भी एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाला जो सेक्टर है वो एक जगह नहीं होता है, वो यहाँ भी मिल सकता है, सिटी के यहाँ भी मिल सकता है या यहाँ भी मिल सकता है। यानी यहाँ पे आपकी क्या है, हैवी इंडस्ट्रीज है, तो दूसरे सिटी सेंटर के पास अगर सेम ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो जो हैवी इंडस्ट्रीज है यहाँ भी मिल सकती है और यहाँ भी मिल सकती है। यानी एक जैसी विशेषताएं या फिर एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाली जितने भी आपके जो काम है वो अलग अलग जगह भी मिल सकते हैं और एक जगह भी मिल सकते हैं। अब ये क्या है कि ये जो सिटी सेंटर्स हैं या फिर जो मल्टी न्यूक्ली है ये किस पर डिपेंड करते हैं, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, एक है आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और दूसरा है वहां की लोकेशनल फोर्सेस। इन दो चीजों पे डिपेंड करता है कि कहां पर आपका जो सिटी है उसका कौन सा जो सेंटर है वो एस्टेब्लिश होगा, यानी आपका सीबीडी कहां पर होना चाहिए, आपका जो लो रेजिडेंशियल जोन है वो कहां पर होगा, मिडिल क्लास रेजिडेंशियल जोन है वो कहां पर होगा, वो किन दो चीजों पे डिपेंड करता है, या तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है या फिर किस पर डिपेंड करता है, लोकेशनल फोर्सेस पर डिपेंड करता है। अब ये जो सिद्धांत है ये इन्होंने कब प्रपाउंड किया था, 1945 में प्रपाउंड किया था। और ये सिद्धांत भी किस सिटी के बेस है, ये सिद्धांत भी जो बेस है इसका वो किसको लिया गया है, बेस्ड ऑन शिकागो। मैंने अभी तक तीन मॉडल के बारे में बात की है, कंसेंट्रिक रिंग जो थ्योरी है, जोन थ्योरी, इसके बाद जो आपका सेक्टर थ्योरी है, और इसके बाद है मल्टी न्यूक्लियर थ्योरी। तीनों जो थ्योरी है वो बेस है किसके, शिकागो सिटी पर बेस्ड है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूं तो जैसे आप देखोगे कि आपका जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली पुराने टाइम से ही एक अच्छी सिटी रहा है, या फिर ये कह सकते हो कि इसके जो अर्बन सेंटर्स हैं वो काफी रिच रहे हैं, आपके ट्रेड में ले लीजिए या फिर आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है उसमें ले लीजिए। इसी तरीके से आपका शिकागो शहर है उसमें भी क्या है, डेवलपमेंट का जो सेंटर्स है वो अलग अलग रहे हैं। अगर हैरिस और उलमैन की अगर हम बात करें तो उन्होंने जिस टाइम अध्ययन किया था तो उन्होंने बताया कि जितना भी डेवलपमेंट है उस टाइम क्या था, शिकागो जो रिवर थी उसके साथ साथ था या फिर जो लेक एरिया था उसके साथ साथ था। तो इसलिए क्या है, जो आपका डेवलपमेंट है सिटी का तो वो क्या है, किसी एक सेंटर पे ना होकर उसके अलग अलग क्या है, नाभिक बने हुए थे। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी अजम्पशंस ली है, अजम्पशंस या फिर मान्यताएं। सबसे पहले मान्यता क्या थी, जैसे हम अगर बात करें सेक्टर मॉडल की या फिर हम बात करें आपके बर्गेस के जो कंसेंट्रिक जोन थ्योरी उसकी, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो आपका अर्थ सरफेस है वो चारों तरफ से कैसा है, फ्लैट और समान है। लेकिन यहाँ पर आपके मल्टी न्यूक्ली में क्या कहा है,
हैरिस एवं उलमैन ने कि कोई भी आपका जो अर्थ सरफेस है वो क्या है, एक समान नहीं होगा, ये क्या होगा, अनइवन होगा। लैंड इज नॉट फ्लैट इन ऑल एरियाज। एक सिटी की अगर बात करें तो उस सिटी के सारी जगह एक जैसा जो समान जो आपका अर्थ सरफेस है या फिर जो उसका धरातल है वो एक जैसा नहीं मिलेगा। वहां पर क्या है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी। कहां पर आपके फर्टाइल लैंड है तो कहां पर आपका क्या है, बिल्कुल ही बोल सकते हैं कि फैलो लैंड पाई जाएगी। या फिर क्या है, कहीं पर आपका ट्रांसपोर्टेशन अधिक है और कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम है। तो ये क्या है कि कहीं पर भी आपका एक जैसा जो अर्थ सरफेस है या फिर आपका जो लैंड एरिया है वो फ्लैट नहीं होगा। अब इनके सेकेंड अजम्पशंस क्या थे कि देयर इज इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जितने भी आपके न्यूक्लियस हैं तो उनमें क्या है कि आपके जो रिसोर्सेस है उनका क्या है, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाएगा। इसके बाद इनके अलग जो थर्ड अजम्पशन थी वो क्या थे, देयर इज इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन रेजिडेंशियल एरियाज, यानी जितने भी आपके रेजिडेंशियल एरियाज है वहां पर जो आपका पॉपुलेशन कंसेंट्रेशन है या फिर वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी है तो वो कैसी मिलेगी, एक समान मिलेगी सारे जितने भी रेजिडेंशियल जोन है हर रेजिडेंशियल जोन में। इसके बाद इनके जो फोर्थ अजम्पशन है वो क्या है, देयर इज इवन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी क्या है कि हर कहीं पर आप यहां से सिटी सेंटर से यहां चले जाइए, यहां चले जाइए, यहाँ चले जाइए या फिर यहाँ चले जाइए, आप किसी भी न्यूक्ली में जाएंगे तो वहां पर आपका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो क्या है, एक समान होगा, एक जैसा होगा हर न्यूक्ली के अंदर। अब हम बात करते हैं इसकी मेन जो इन्होंने अपने जो जोन्स दिए हैं या फिर न्यूक्लियस दिए हैं उनके बारे में, कौन कौन से न्यूक्ली कहाँ पर इन्होंने एस्टेब्लिश किए हैं। तो इस तरीके से जो हैरिस और उलमैन है उन्होंने अपने मॉडल को प्रपाउंड किया। तो ये आपका जो पहला जो क्षेत्र है इसके बारे में अगर बात करें तो ये क्या है, सीबीडी है। अब हैरिस और उलमैन ने क्या बताया कि जो आपका सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है आपका क्या है, सिटी सेंटर है और ये सारे जितने भी आपके अदर जो न्यूक्ली है इनसे ट्रांसपोर्ट से काफी अच्छी तरीके से जुड़ा होता है। वहां पर क्या है, जो यातायात है वो काफी अच्छा या फिर काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या बताया कि जो आपका ये है सीबीडी, यहाँ पर क्या है, एक मेन सिटी कोर में ना होकर ये क्या करता है कि एक अलग रीजन में एस्टेब्लिश हो जाता है। इसका मेन रीजन उन्होंने क्या दिया, जैसे शिकागो जो शहर है तो वहां पर क्या था कि जो आपका झील है उसके पास में आपके जो सीबीडी था वो एस्टेब्लिश था। तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे फिजिकल हो गई या फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो गया तो उसकी वजह से आपका जो सीबीडी है वो क्या है, मेन कोर रीजन में एस्टेब्लिश ना होकर वो क्या करता है, आपका एक सिटी के आउटर एरिया या फिर सिटी के कॉर्नर की तरफ क्या है, एस्टेब्लिश हो जाता है। दूसरा जो इन्होंने सेंटर बताया वो क्या बताया, होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग। अब ये जो है ये बेसिकली आपका जो सीबीडी है उससे काफी अच्छी तरीके से कनेक्ट होता है और इसके साथ साथ क्या है, ये क्या करता है आपका जो बाहरी जो क्षेत्र है उसको काफी अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करता है और ये भी ट्रांसपोर्टेशन से काफी अच्छी तरीके से जुड़ा होता है। और यहाँ पर जो सामान है या फिर जितना भी आपका होलसेल का जो प्रोडक्ट है या मैन्युफैक्चरिंग जो आपका लाइट मैन्युफैक्चरिंग है उसका प्रोडक्ट है तो उसको वहां पर ट्रक हो या फिर कोई अन्य रिसोर्सेज जो है ट्रांसपोर्टेशन का उसके थ्रू आपके अदर जितने भी आपके नाभिक है या फिर न्यूक्ली है उन तक पहुंचाने का काम ये करता है। जो थर्ड जो जोन है वो आपका क्या है, यहाँ पर लो क्लास रेजिडेंशियल जोन है। और ये लो क्लास रेजिडेंशियल जोन यहाँ पर क्यों पाया गया है, जो आपके उलमैन है और हैरिस है इन्होंने कहा कि जहां पर आपके जो लेबर जो है या फिर लो क्लास जो लोग है ये कहाँ पर रहते हैं, जो मेन उनका काम है उसके आसपास ही रहना पसंद करते हैं। तो ये लोग क्या है कि आपका जितना भी आपका इंडस्ट्रियल जोन है, जितना भी आपका लाइट वेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है तो उनके आसपास इनका घर पाया जाता है। तो जो थर्ड जो जोन बताया इन्होंने वो क्या बताया, आपका लो क्लास रेजिडेंशियल जोन इन्होंने डिक्लेयर किया। लो क्लास रेजिडेंशियल जोन जो है इन्होंने क्या बताया कि यहाँ का जो एनवायरमेंट है
वो क्या है, काफी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल जोन होता है इसके आसपास, और इसके आसपास जितनी भी आपकी जो धूल धुएं वाली जितनी भी फैक्ट्रीज है वो एस्टेब्लिश होती है, तो ये काफी क्या है, वातावरण यहाँ का खराब होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे इनको चीपेस्ट जो लैंड है वो मिल जाती है, इसलिए ये लोग यहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ जोन की, तो फोर्थ जोन इन्होंने क्या बताया, मिडिल क्लास रेजिडेंशियल जोन। मैंने आपसे पहले भी ये डिस्कस किया है कि जो आपका हाई क्लास रेजिडेंशियल जोन है और जो आपका लो क्लास रेजिडेंशियल जोन है, इनके बीच में जो जोन मिलेगा उसको हैरिस और उलमैन ने क्या कहा है कि वो मिडिल क्लास रेजिडेंशियल जोन होगा, यानी इससे इसकी क्वालिटी काफी बेटर होगी, लेकिन जो आपका हाई क्लास रेजिडेंशियल जोन है इससे इसकी क्वालिटी जो है काफी कम होगी। अब बात करते हैं फिफ्थ जोन की। फिफ्थ जो जोन है वो आपका क्या है, हाई क्लास रेजिडेंशियल जोन। अब हाई क्लास रेजिडेंशियल जो जोन है ये बेसिकली क्या है, आपका जो कोर सेंटर है या फिर इन्होंने जो मल्टी न्यूक्लिक सीबीडी बताया उससे काफी दूर होता है, जो जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है उससे भी ये काफी दूर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको क्या चाहिए होता है, अपना जो रेजिडेंशियल जो जोन है वो काफी क्लीन चाहिए होता है, यहाँ पर जो इनका एनवायरमेंट होता है वो काफी प्योर होता है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग पाया जाता है। तो ये था आपका फिफ्थ जोन। अब हैरिस और उलमैन ने क्या कहा कि जो आपकी हैवी इंडस्ट्रीज होगी वो क्या है, आपके सिटी सेंटर से या फिर जो आपका सीबीडी है और जो होलसेल मार्केट है उससे काफी बाहर की तरफ मिलेगी। अब इन्होंने देखो ये पूरा जो सिटी है ये इधर की तरफ है और इन्होंने जो आपका इंडस्ट्रीज है हैवी, जैसे आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गया, तो इसको कहां पर स्थापित करने के लिए बोला, आउटर एरिया में स्थापित करने के लिए बोला। क्यों? क्योंकि इसके लिए क्या है, काफी बड़े मात्रा में क्या है, हमें लैंड पार्क की जरूरत होती है या फिर ओपन स्पेस की हमें काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो ये कहां मिल सकता है हमें, सिटी के कोर में हमें कभी भी आपका जो लैंड पार्ट है वो ज्यादा नहीं मिलता है, और इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर जो लैंड वैल्यू जो है वो भी काफी हाई होती है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी या फिर हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होगी वो कहाँ पर एस्टेब्लिश होगा, जो सिटी का आउटर पार्ट है वहां पर एस्टेब्लिश होगी। तो ये था इसका इनका सिक्स बेल्ट। अब बात करते हैं सेवन्थ की। जो सेवन जो बेल्ट है इन्होंने क्या बताया, ये क्या काम करती है, आपकी आउटर कमर्शियल जोन है या फिर बाहरी व्यापारिक पेटी है, और ये बाहरी व्यापारिक पेटी कैसे एस्टेब्लिश होता है, जैसे हमने बात की थी बर्गेस के मॉडल में, तो उसमें हमने देखा था कि जो संक्रमण जो क्षेत्र है वहां पर आपका सीबीडी में जब क्या है हाई लैंड प्राइसेस हो या फिर वहां पर आपका क्या है कुछ जैसे कमर्शियल एक्टिविटीज जो है वो अदर जोन में भी होना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से क्या है कि आपका एक जोन क्या है बाहर आ जाता है आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, और उसको इन्होंने क्या कहा है, आउटर कमर्शियल जोन बोला है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एट जोन की। अब एट जो जोन है उसको बोलते हैं सैटेलाइट टाउन। अब मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था सैटेलाइट टाउन को क्या बोला जाता है, आपका जो बैड टाउन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपके बाहर के जो लोग हैं ये क्या करते हैं, दिन में तो सिटी सेंटर की तरफ जाते हैं काम करने के लिए और रात में वापस यहाँ पर आ जाते हैं आराम करने के लिए, तो इसको आराम घर के नाम से भी बोल देते हैं या फिर द बैड टाउन भी बोल देते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे सोने के लिए ही या फिर रात को काम करने के बाद आराम करने ही आते हैं। दूसरा क्या है कि ये सिटी सेंटर से बिल्कुल बाहर होता है सैटेलाइट टाउन की अगर हम बात करें, और ये इसको सर्विस प्रोवाइड कराता है, ये इसको सर्विस प्रोवाइड, मतलब दोनों में क्या है इंटरलिंक होता है या फिर स्ट्रॉन्ग रिलेशन एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे हम बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली के भी कुछ अपने सैटेलाइट टाउन है, जैसे हम बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में भी आप अगर एट प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो मानेसर उसका क्या है सैटेलाइट टाउन है। तो इस तरीके से क्या है कि आपके जो मेन सिटी है उसके कुछ छोटे सबर्ब्स मिलते हैं वो उनके किस तरीके का काम करते हैं सैटेलाइट टाउन्स का काम करते हैं। अब अमेरिका जो शहर है उसमें क्या है दो तरीके के आपके सबर्ब्स मिलते हैं या फिर उपनगर पाए जाते हैं, एक कौन से है रिहायशी उपनगर जो रेजिडेंशियल होते हैं और दूसरा क्या है इंडस्ट्रियल उपनगर या फिर औद्योगिक उपनगर पाए जाते हैं। तो ये क्या है आपके जो आउटर जो लेयर है या फिर आउटर जो पार्ट है वहां पर आपके दो तरीके के
उपनगर होते हैं, एक आपका क्या है इंडस्ट्रियल उपनगर होता है जहां पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज मिलती है इधर, और दूसरा क्या है ये किस तरीके का उपनगर होता है आपका रिहायशी उपनगर होता है। तो ये तरीके से ही आपका जो उल्मैन है उन्होंने अपने मॉडल को प्रपाउंड किया और 10 तरीके के मल्टी न्यूक्लियर जोन बताए इन्होंने अमेरिकन जो सिटी है शिकागो उसके बेस पर। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या बताया कि मान्यताएं थी, जैसे उन्होंने क्या कहा कि जो आपका लो रेजिडेंशियल जोन है और जो हाई रेजिडेंशियल जोन है उनमें कभी भी रिलेशनशिप नहीं पाया जाता है, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है बिल्कुल अपोजिट है, यानी यहाँ पर क्लीनलीनेस नहीं है, यहाँ पर आपको स्वच्छ एनवायरमेंट नहीं मिलता है और यहाँ पर उस तरीके की जो आपका एनवायरमेंट है वो काफी क्लीन मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन काफी चीप होता है या फिर काफी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, लेकिन इस जोन में क्या है आपका ट्रांसपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग मिलता है। इसके साथ साथ उन्होंने क्या बताया कि जो आपका सिटी है उसका डेवलपमेंट दो तरीके से होता है, या तो वो हिस्टोरिकल होता है या फिर क्या है वहां की लोकेशन इस तरीके की होती है कि वहां पे मल्टी न्यूक्लियर बन जाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि या तो क्या होता है कि कुछ सिटी ऐसे होते हैं उनकी खुद की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि उनका जो जोन है वो अलग अलग क्रिएट हो जाते हैं, या फिर क्या होता है कुछ में इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में बनती है, डेवलपमेंट होने के बाद बनती है कि वहां पर जो मल्टी न्यूक्लियस है वो बन जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो ट्रांसपोर्टेशन है जो पुराने टाइम में किसी सिटी सेंटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो अगर एट प्रेजेंट में स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो क्या है वहां पर भी मल्टी न्यूक्लियस बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये था आपका मल्टी न्यूक्लियर मॉडल जो हैरिस और उल्मैन का है। आई होप सभी को समझ आया होगा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। जितने भी मेरे अदर जो मैंने मॉडल अभी तक डिस्कस किए हैं जैसे कंसेंट्रिक रिंग मॉडल मैंने डिस्कस किया है, या फिर मैंने आपसे सेक्टर मॉडल डिस्कस किया है, आज मैंने आपसे मल्टी न्यूक्लियर मॉडल डिस्कस किया है, तो मैं इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, हमारे एचके एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।